नींद उड़ गई ये बात सोचकर कि हमने क्या क्या है अपने देश के लिए, आज फिर सरहद पर खून बहा है मेरी एक नींद के लिए। महाराष्ट्र के दुल्ले जिले के सिरपुर तहसील के गांव वागाड़ी के रहने वाले भारतीय सेना के लांस नायक मनोज संजय माली की पार्थिव देह आज तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक गांव पहुंची, जहां पूरे राज्य के व सैनिक सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। भारत माता के जयकारों के बीच शहीद के पार्थिव के अंतिम दर्शन उनके परिजनों को करवाए गए। जब शहीद के पार्थिव के अंतिम दर्शन उनके परिजनों को करवाए गए तो हर किसी की आंख नम हो गई। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए ऐसा जनसैलाब आपने आज तक नहीं देखा होगा। भारतीय सेना के 169वीं मीडियम रेजिमेंट के जवान लांस नायक संजय मनोज माली सिक्किम में देश की रक्षा कर रहे थे। सिक्किम में दुर्गम पहाड़ियों पर माँ भारती की रक्षा कर रहे थे, तभी अचानक गहरी खाई में जा गिरने की वजह से वे माँ भारती की गोद में सदा के लिए समा गए हैं। शहीद जवान का जब आज पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो हजारों लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े। शहीद जवान मनोज संजय माली के श्री चरणों में अपर समाचार यूट्यूब चैनल कोटि कोटि नमन करता है और उनकी शहादत को सलाम करता है, जिन्होंने अपने घर परिवार की चिंता को छोड़कर देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस जवान की शहादत को नमन करते हैं। कर्तव्य राष्ट्र आपके इस अद्वितीय त्याग एवं समर्पण का सदैव ऋणी रहेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें एवं परिजनों को संबल दें। हम चैन से सो पाएं इसलिए ही वो सो गया, वो भारतीय फौजी ही था जो आज शहीद हो गया। इस जवान का आज पार्थिव शरीर सेना के विशेष वाहन से सड़क मार्ग से होते हुए उनके पैतृक गांव वागाड़ी पहुंचा, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग उनके निवास स्थान पहुँच गए। वहीं भारत माता के जयकारों के बीच शहीद संजय मनोज माली अमर रहे के नारों से आसमान गुंजायमान हो गया। आपने अंतिम विदाई में ऐसा जनसैलाब आज तक नहीं देखा होगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिलों में बसाए रखना। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शहीद संजय मनोज माली वर्तमान में सिक्किम में तैनात थे, वहीं ड्यूटी के दौरान गहरी खाई में जा गिरने की वजह से वे वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर आज तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां शहीद परिजनों को अंतिम दर्शन करवाए गए। आपको बता दें कि शहीद को अंतिम दर्शन करवाते वक्त हर किसी की आंख नम हो गई तो परिजनों में चीख पुकार मच गई। माँ भारती के लाल ने सिक्किम में रहते हुए देश सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। वहीं आपको बता दें कि सेना की टुकड़ी साथ में मौजूद रही, जिन्होंने शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर मां भारती के लाल को शहादत के सम्मान में मातमी धुन बजा। शहीद परिजनों को तिरंगा भेंट कर उनके पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया गया है। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो अंतिम विदाई की तस्वीरें चल रही है, ये संजय मनोज माली की है, जिन्होंने सिक्किम में देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर किया था। आज 3 दिन बाद इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव पहुंचा है, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि शहीद के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है और जिसमें हजारों हजार लोग हाथ में तिरंगे लिए भारत माता के जयकारों के बीच शहीद संजय मनोज माली अमर रहे के नारों से आसमान को गुंजायमान किया है। मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, न खौफ है मौत का न आरजू है जन्नत की, ख्वाहिश बस इतनी सी है जब भी जिक्र हो शहीदों का तब मेरा भी नाम आए। आगे की अपडेट के लिए बने रहें अपर समाचार यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।